अग्निपथ और अग्निपथ बहुत जबरदस्त है. चमकी चमेली वाली वो चमेली चमकी समथिंग कुछ यार बड़ा क्रिटिक वाला उसका गाना है क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत वल्गर लग रही है वो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यार बिल्कुल डिफरेंट लगी है. और कुछ मेरे ओपिनियन थोड़े से इसमें प्रॉब्लम करते हैं, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हां बट शी सेड नहीं, शी सेड पूनम जी से सवाल क्यों कहूंगी क्योंकि कैटरीना जो जिस तरह के डांस मोस्टली वहाँ किए गए हैं ठीक है उससे बहुत चेंज अच्छा है. तो एज अ चेंज अच्छा जो चेंज लगा अच्छा चेंज है आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत आला लगा. मैं तो वैसे बहुत ज्यादा टच मी टच मी और ये वो सारे देखिए उससे बिल्कुल डिफरेंट है. बहुत डिफरेंट है, बड़ा अच्छा उसमें है. अच्छा आई डोंट लाइक कैसे होते हैं नहीं, मगर मैं पूनम जी से एक सवाल जरूर करूंगी आप फिर आप पे आऊंगी कि आप बताइए आप नेक्स्ट प्लान क्या है. आप जो हमारी फिल्म की जो हीरोइंस होती हैं जब इस तरह के गाने करती हैं, आपको पता है नसीबा जी के गानों पे और दूसरे गानों पे, इवन नूरजहां के गानों पे भी, नूरजहां जी के गानों पे भी काफ़ी इस तरह की परफॉर्मेंस हुई भी है. तो हम लोग उसको तो वो नहीं करते कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिफरेंट थी. और यही अब इंडिया ने किया, जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ों को नुक्स निकालता ना, हाय ये देखो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को काम नहीं आता, इन लोगों को कोरियोग्राफी नहीं आती. आप खुद जो ये कर रहे हैं तो exactly. फिर उस चीज़ को भी तो बैलेंस रखते हैं ना इंडिया. यू ऑलवेज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप कर रहे हैं वही आप मतलब जब एडवाइस आपने कॉपी तो हमें की ना उठा के, मतलब ये अगर देखा जाए सबसे पहले तो ये बात किसी ने उठाई नहीं. हम इस बात को बल्कि आगे मजीद आगे वाली हमारी मंडे के एपिसोड में बढ़ाएंगे कि इस चीज को फिर हम लैबरेट करेंगे कि भाई क्यों इंडिया फिर हमारी चीजों को कॉपी करता है अगर आपको पसंद नहीं था ये. है ना, नहीं होती है कॉपी, बहुत ज्यादा होती है. क्या बात है, आपने देखा है चिक ले चमेली? देखिए नहीं मैंने देखी नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि उनकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है बॉलीवुड की वो काफी काफी हाई प्रोडक्शन वैल्यू में वो ये चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं. मार्केट काफी उनकी, मार्केट काफी. आप ये बताइए कि अगर नसीबोलाल शीला की जवानी गए तो कैसे गएंगे? आप बताइए ना, आपसे अच्छा कौन बताएगा? मैं तो वर्गल गाने नहीं गा सकती, मैं तो स्क्रिप्ट देन देन तो मैं गानी है, मेरे को क्या पता. तो शीला शीला दी जवानी हाय. So it's going to be like this somewhat. It's going to be really funny. बहुत आला, बहुत आला. मतलब नसीबो जी की बात की तो नसीबो जी का गाना भी आपने कंप्लीट कर दिया. वैसे जी मैंने कहा जब यहाँ आएगा तो ऐसे होगा. हेलो एडी. अच्छा एडी आप बाकी दो फिल्में जो बताए थे, एक अग्निपथ, एक अग्निपथ है, सेकंड जो है वो अभी रिलीज हुई रिसेंटली प्लेयर. हाँ जी, और प्लेयर जो है वो अभी उसका नेक्स्ट टाइम मैं रिव्यू दूंगा और देखना है. अपेरेंटली इट्स हाँ इट इज अ कॉपी और उसमें जो है लाइक वो है क्या नाम है उनका, अभिषेक है और साथ अनुष्का या सोनम सोनम कपूर. सॉरी शेख अदनान की कॉल आई है आप लोगों के लिए, ले लूं? श्योर श्योर. अस्सलाम वालेकुम अदनान. वालेकुम अस्सलाम. सुबह की फिजा में हम मेरी तरफ से तमाम गेस्ट और आपको सुबह खैर. थैंक यू. क्या बात है, हमारी तो सुबह खूबसूरत हो गई थी प्यारी बात से आपकी. जी क्या कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? मोबाइल है. सबसे पहले तो मैं दो बातें, एक तो आपके सवाल का जवाब दूंगा लेकिन उससे पहले मेरे जो आइडियल आर्टिस्ट बैठे हैं कवि अंकल, मैं इनकी खिदमत में 1 करोड़ दफा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मगर इनकी कहाँ है कवि अंकल, किधर गए? वो अब चले गए हैं लेकिन ऑब्वियसली सलाम उन तक पहुँच जाएगा. सलाम उन तक पहुँच जाएगा मगर अभी हमारे सेट से चले गए कवि अंकल. मैं आपको घर का उनका नंबर दे दूंगी पर्सनल, वो टेलीनॉट टॉक शो यूज करते हैं. तो आज सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा. जी जी. वो सवाल का है कि आपने कहा कि दिल पे इतबार किया तो क्या मिला, तो क्या मिला? मैं समझता हूँ दिल पे इतबार किया तो रुसवाई मिली. है? दिल तो बादशाह है, दिल की तो अनलिमिटेड डिजायर है, इन पे तो इनको कम्प्लीट करने पे बैठ जाए तो काम हो गया हमारा. तो मैं समझता हूँ दिल के साथ साथ. हेलो जी, आप ही की बात सुन रही, मैं तो दास हो गई सुन के कि अच्छा ऐसा भी होता है. दिल के साथ साथ दिमाग को बरोकार लाना चाहिए. दिमाग ही आपको मतलब जब तक कि आपको दिमाग एक रेड बत्ती या ग्रीन सिग्नल ना दिखाए तब तक कि आप उस बात पे एतबार ना करें भले दिल कुछ भी कह रहा हो. वो कहते हैं जी दिल तो कहता है मैं ये काम कर लूं लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि वो ख्वाब देखना चाहिए जिसकी कोई ताबीर भी हो. क्या बात है, बहुत प्यारा जवाब दिया, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली. एंड में बताऊंगी कि ये मोबाइल किसको जाता है. थैंक यू फॉर योर कॉल और इतना प्यार आपने दिया हमें और मुझे ढूंढने पे मजबूर कर दिया कि मैं कवि साहब को ढूंढूं. एक और कॉल है अगर आप लोग की इजाजत है. जी जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम कैसी है जी? वालेकुम वालेकुम सलाम. स्वाजी क्या हाल है?
ठीक, आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका प्यार है, ठीक ठाक, फिट है, सेट है। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे, बहुत अच्छी होस्टिंग हो रही है, बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं आप। बस जी जैसे हैं वैसे हाल में उठ के आ जाते हैं, सुबह सुबह बस कपड़े वपड़े पहनने पड़ते, बोलती हूँ उसी तरह हूँ जिस तरह घर में बोलती हूँ, जिस तरह आम घर में रहती हूँ, भाई लोग वाली लाइफ है थोड़ी सी, और दोस्त भी अपने बुलाती हूँ ताकि जो भी है लेकिन हम बहुत इंजॉय करते हैं। रियली बस दोस्तों को बुलाती हूँ, कहती ना ये पांच मुठ्ठियाँ अगर हमारी बंद हो और पांच अच्छे दोस्त हों तो आप लकी हैं, तो अल्लाह ने बहुत लकी कि हमारे इतने प्यारे गेस्ट बैठे। कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छे गेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, सिंगर गाना भी सुनाया बहुत ही अच्छा है, और मैं आपके सवाल का आंसर भी देना चाहूंगी। जी जी जी, मोबाइल फोन है और वो भी झकास वाला। दिल दिल की बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर दिल ये कहता है कि ये छोटी छोटी नेकियां करो, कोई अच्छे काम करो, तो फौरन बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कामों का अच्छा ही सिला होता है। और अपने मुझे अपने अल्लाह से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह हमें इसका जरूर अजर देगा, और फ्यूचर में हमारे लिए बहुत अच्छे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि जिसकी हम उम्मीद कर नहीं सकते। इसलिए दिल अगर आपको चाहिए अच्छे काम, दुनिया से तवक्को ना रखो कि ये दुनिया तो ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा जी, बहुत मेहरबानी। आप बताइए आपका दिल क्या कहता है, दिल पे एतबार करना चाहिए? दिल पे ही करना चाहिए, ज़ाहिरा जब कोई चीज़ भी दिल से की जाती है तो वो अच्छी होती है। अगर आपका दिल और दिमाग कुछ कह रहा है, दिल नहीं आपका सही ना साथ। जब आप 9th क्लास में थी, आपने कहा कि मैंने अपना पहला काम शुरू किया तो करियर स्टार्ट किया, तो उस वक्त आप बहुत छोटी थी, उस वक्त आपका दिल क्या कहता था, मानता था कि मैं काम करूं, या आपने जैसे बताया कि मजबूरी भी थी? मजबूरी तो ये थी कि डैडी चूँकि मेरे कराची थे, हमारी फैमिली यहाँ थी, डैडी मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर थे कराची में, और सारा हमारा जो दाद का आप कहते हैं वो वहाँ था। मेरे मामा को कराची नहीं पसंद था तो वो यहाँ लाहौर आ गई, थोड़ा सा एक होता है ना ज़रा नाराजगी से मैंने लाहौर रहना है, तो हम लोग बच्चे यहाँ थे, डैडी वहाँ थे कराची में, तो इसलिए। और मुझे शौक है क्योंकि हमारी फैमिली में डैडी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो हमारा गाने का और ये शुरू से बचपन से घर में था, एक माहौल था, मामा भी आर्टिस्ट थी, तो काम गाना वाना तो मैं उससे छोटे मतलब थी तब का मैं वो डैडी से सीखती थी, और लेकिन जब एक्टिंग का एक होता ना, जब आप बड़े हो रहे होते थोड़े, तो आपको होता है यार हिरन बनना है, ये करना है, मतलब ड्रामास देख के ये वो, तो इस तरह बस एक अंदर के जो दिल का था शौक, इसकी वजह से भी आई। नहीं बड़ी बात है, अभी हम आपको तंग भी करेंगे, गाना भी सुनेंगे, मगर एडी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और एक छोटी सी ब्रेक जो आपने जरूर देनी है। मैंने भी सवाल का जवाब देना है कि अगर हम दिल की बात मानते हैं तो इससे कमिटमेंट होती है। क्या बात है, टेक अ ब्रेक, ब्रेक लीजिए आप। मेरी जंगली बिल्ली, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह की फिजा फिजा